हेलो स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 91। हियर यू सी ब्रिक वॉल एंड दिस ऑनियन पील। ये इसके सेल देखें, ऑनियन पील के मतलब प्याज के जो छिलके में सेल्स हैं, ठीक है। और यहाँ देखें ब्रिक्स, ठीक। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने प्रीवियस वीडियो में सेल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर शेप एंड साइज। ऑर्गेनिज्म जो है कई प्रकार के से, मतलब सेल नंबर्स भी डिफरेंट होते हैं, शेप्स भी डिफरेंट होते हैं और साइजेस भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? दे यूज माइक्रोस्कोप्स विच मैग्निफाई ऑब्जेक्ट्स। स्टेन्स आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। There are millions of living organisms. They are of different shapes and sizes. Their organs also vary in shape, size and number of cells. Let us study about some of them. तो यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे साइंटिस्ट को पता चलता है लिविंग सेल्स के बारे में, कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो वो लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत बड़े रूप में हमको दिखता है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। और किसकी हेल्प से? उनमें डाई मीन्स धब्बे किसी भी और सेल में, ठीक है, क्या किया जाता है, कुछ कलर्स का यूज करके, ठीक है, कलर पार्ट का यूज करके, और फिर उसके बाद उसको उसके स्ट्रक्चर को के बारे में स्टडी की जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कभी अगर ब्लड टेस्ट जहां होता है वहां कभी आप गए हो तो आपने देखा होगा कि एक स्लाइड होती है कांच की, है ना, ग्लास की स्लाइड होती है, उसमें हमारा ब्लड लिया जाता है, तो वो कौन से कलर की होती है? रेड कलर का होता है, ठीक है। पर जब उसका टेस्ट किया जाता है तो टेस्ट में उसमें ब्लू कलर का लिक्विड डाला जाता है, ठीक है, तब उसमें आसानी से चीजें दिखाई दी जाए, माइक्रोस्कोप में देखा जाता है फिर उसे, तो आसानी से उसमें बैक्टीरिया या जो भी होता होगा, है ना, वहां पर वो सारी वायरसेस जो है वो वहां पर दिख जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने के लिए कलर्स का यूज किया जाता है, ठीक है, तब आसानी से फिर उसके बारे में पढ़ा जा सकता है। नाउ ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट शेप्स के हैं, डिफरेंट साइज के हैं, उनके ऑर्गन्स भी जो हैं वो बढ़ते घटते रहते हैं, है ना, उनके शेप्स जो हैं बढ़ते घटते रहते हैं, साइज और नंबर ऑफ सेल्स भी जो हैं वो बढ़ते घटते रहते हैं, ठीक है। तो चलें उसमें से कुछ के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। क्या दिया है देखें, सब फर्स्ट नंबर ऑफ सेल्स। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल्स लाइक द एलिफेंट? The number runs into billions and trillions. Human body has trillions of cells which vary in shapes and sizes. Different groups of cells perform a variety of functions. तो क्या आप guess कर सकते हैं कि कितने cells होते होंगे एक tall tree में, या एक huge animal जैसे elephant की अगर हम बात की जाए तो बिलियंस और ट्रिलियंस सेल्स होते हैं इनमें। जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में भी ट्रिलियंस सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि जिनका शेप साइज बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेल्स का जो समूह है, ग्रुप है, है ना, वो कई प्रकार के कार्य परफॉर्म करते रहते हैं, ठीक है। अब यहां पर बताया गया है कि 1 बिलियन जो होता है वो 1000 मिलियन के बराबर होता है, और 1 ट्रिलियन जो है वो 1000 बिलियन के बराबर होता है, ठीक है। नाउ ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल्स से बने होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर कहलाते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा सेल्स से बने हुए ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर कहलाते हैं। मल्टी का मीन्स होता है मैनी, और सेल्यूलर मींस सेल, मल्टी मतलब बहुत सारे, ठीक है, मैनी मींस बहुत सारे हो गए वहां पर, है ना, ऑर्गेनिज्म। तो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में कम सेल्स होते हैं, और जो लार्जर ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, उनमें ज्यादा सेल्स होते हैं, कई बार ऐसा नहीं भी होता है, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं वो ऑर्गेनिज्म में कार्यों को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, सबके अलग अलग कार्य होते हैं,
सारे सेल्स के, है ना, तो वो अफेक्ट करते हैं उसको। ठीक है, आप सरप्राइज होंगे ये जानकर कि एक ऑर्गेनिज्म में बिलियन सेल्स होते हैं, ठीक है, और उन्हीं सेल्स में से, उन्हीं सेल्स का कोई एक सिंगल सेल जो है वो और क्या करता है, और कई सेल की शुरुआत करता है। ठीक है, फर्टिलाइज एग मीन्स एक प्रकार से निषेचित करना, और भी बहुत सारे सेल्स वो बनाते हैं, एक बिलियन सेल्स जो है वो और भी बहुत सारे सेल्स बनाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज एग जो होते हैं, है ना, फर्टिलाइज एग सेल जो होते हैं वो मल्टीप्लाइज होते जाते हैं, मतलब उनका मल्टीप्लाइज होता जाता है और वो और बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फिगर 8.3, अमीबा एंड पैरामीशियम दोनों क्या हैं, एक सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म हैं, एक सेल से बने हैं ये। ठीक है, एक सेल से ये तैयार हुआ है, एक सेल से ये तैयार हुआ है, तो इनको हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं या यूनिसेल्यूलर कहते हैं। यूनि का मीन्स होता है वन और सेल्यूलर का मीन्स होता है सेल। ओके, तो एक जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है वो भी वही सारे कार्य परफॉर्म करता है या फंक्शन परफॉर्म करता है जो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। ठीक है, जिनमें ज्यादा सेल्स होते हैं, मल्टी सेल्यूलर मीन्स जो ज्यादा सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कार्य मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं वही एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बताए गए हैं, जैसे अमीबा क्या करता है, कैप्चर करता है और फूड डाइजेस्ट करता है। ठीक है, रेस्पायर्स मीन्स होता है सांस लेना, है एक्सक्रीट मीन्स होता है मल त्याग करना, है ना, इन सब में हेल्प करता है, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस बढ़ाता है और उसको फिर से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऐसे ही फंक्शन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के भी होते हैं। ठीक है, दोनों के काम लगभग सेम होते हैं, पर मल्टी सेल्यूलर जो है वो ग्रुप में काम करते हैं और ये जो यूनिसेल्यूलर है वो सिंगल ही ये सारे काम करता है। ठीक, तो यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको आप पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीच टुमारो।